नमस्कार हिंदुस्तान, आज हम आप लोगों के लिए जो व्हीकल लेके आए हैं ये नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है। नेक्सॉन के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या ये इसके अंदर डिटेल्स है, ये सारी आज हम जानेंगे और देखेंगे कि नेक्सॉन के बेस वेरिएंट के अंदर जो हिंदुस्तान की पहली 5-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स और किस तरीके से ये दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच छाबरा टोलिंग देवास का, जिन्होंने हमें एक प्रॉपर टाइम दिया इस व्हीकल के साथ में कि ताकि हम आप लोगों के लिए इसमें डिटेल्स को कवर कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हम व्हीकल की की से। तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से की नज़र आती है, जो दोनों आपको एमेबलाइजर सिस्टम के साथ में मिलती है, दोनों आपको नॉर्मल की आती है। इसके अंदर कहीं पर भी आपको कोई सेंटर लॉक का फीचर नहीं मिलता। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं, वहीं पर आपको बेसिक से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये नॉर्मल हेलोजन लैम्प आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर दी है, फॉग लैम्प की हाउसिंग दी हुई है इस जगह पर, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश का कुछ एलिमेंट दिया है पास में, जो थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल इसको दी हुई है। ये देखिए, फ्रंट ग्रिल के जस्ट नीचे ही आपको एक क्रोम का एसेंट मिल जाता है जो कंटिन्यू होता है यहाँ से तो राइट टू लेफ्ट। और अगर फ्रंट बम्पर की बात करूँ तो काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी अट्रैक्टिव ये व्हीकल नज़र आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से। आप अगर मैं साइड प्रोफाइल की आपको बात करूँ तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसका साइड प्रोफाइल नज़र आता है। 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिल जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको मिल जाता है। मैं व्हील्स की बात कर लूँ तो इसके अंदर आपको 16 इंच के व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल रिम आपको मिलती है सिल्वर कलर की, और यहाँ पर ये कवर आपको मिलता है प्लास्टिक का, जिसमें टाटा का लोगो आपको दिया हुआ है। और व्हील्स की अगर साइज़ की बात करूँ तो 195/65 R 16 inch का इसके अंदर आपको व्हील्स अवेलेबल कराया हुआ है। ये देखिए, आसपास आपको पूरी क्लाइडिंग मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसके अंदर जो साइड मोल्डिंग जो हम कहते हैं वो भी आपको कंपनी फिटेड बेसिक XE से ही मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर दिया हुआ है। अब कुछ चीज़ें और नोटिस करने वाली जो है वो देखिए, साइड प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का एक एलिमेंट दिया है जिस पर आपको नेक्सॉन लिखा हुआ है, नेक्सॉन की बैजिंग दी हुई है। वहीं पर अगर बात करूँ तो इंडिकेटर्स जो हैं वो LED इंडिकेटर्स आपको ORVM के ऊपर ही मिल जाते हैं, मतलब यहाँ फेंडर वगैरह पे नहीं दिए हैं। बेसिक में भी आपको ORVMs पे ही इंडिकेटर जो हैं मिल जाते हैं। और ORVM और डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको ब्लैक कलर के मैट फिनिश में मिलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं इसके बूट की, रेयर लुक की। तो रेयर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो रेयर प्रोफाइल हम शुरू करते हैं ऊपर से। तो आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है, वहीं पर आपको इसके अंदर स्पॉइलर मिल जाता है। ये देखिए, स्पॉइलर मिल जाता है, लोकल फॉर वोकल का आपको यहाँ पर एक लोगो मिल जाता है। और उसके जस्ट नीचे में आओ तो सेंटर में आपको टाटा की बैजिंग और ये एक्स फैक्टर वाला जो एक्स बना हुआ वाइट कलर में वो, और LED ड्यूल स्प्लिट आपको टेल लैंप इसके अंदर मिल जाता है। वहीं पर सेंटर में वापस बात करूँ तो नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है। आपको बूट ओपन करने के लिए ये जगह दी हुई थी। ये देखिए, आप की से इस तरीके से इसकी बूट को ओपन कर सकते हैं। वहीं पर ड्यूल टोन बम्पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, ये देखिए रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट यहाँ पर दी हुई है। काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका रेयर से। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बूट की। तो यहाँ से ये बूट इसका ओपन हो जाता है। ये देखिए, 350 liter का बूट स्पेस इसके अंदर आपको दिया हुआ है। उसी के साथ में 3-3 kg के दो हुक्स दिए हुए हैं, हैंगिंग हुक्स, जिसमें आप कोई भी सामान को हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं। ये देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, राइट और लेफ्ट। यहाँ पर आपको मोल्डिंग दी हुई है जिसमें आप पार्सल ट्रे को लगा सकते हैं, मतलब मोल्डिंग आपको पूरी कंप्लीट आती है, आपको सिर्फ पार्सल ट्रे इसमें रखना होती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है उसी के साथ में। ये देखिए, यहाँ पर स्टेपनी आपको दी हुई है। स्टेपनी का मैं आपको साइज़ बता देता हूँ, ये भी 16 इंच की आपको मिल जाती है, जो कि मिलती है 195/60 R 16 inch की, जो सेम होती है। यहाँ पर टूल किट आपको, ये देखिए टूल किट वगैरह सब चीज़ इसकी के अंदर प्लेसमेंट होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये हुक्स, दो हुक्स दिए हुए हैं
जिनको आप उठाकर सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि इंटीरियर इसके कुछ किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके गेट की बात कर लेता हूँ, ड्राइवर साइड के गेट की। तो यहाँ पर इंटरनली एडजस्टेबल मिरर्स के लिए आपको स्टिक दी होती है जी, बेस वेरिएंट में आपको स्टिक मिलती है। ये देखिए, आप यहीं से इसको ORVMs को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी, वही जो टॉप मॉडल में मिलता है वही सेम मटेरियल क्वालिटी मिलता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का चेंज है, जैसे ये देखिए, आपको जो अनलॉक करने के लिए जो लीवर दिया हुआ है वो मैट ब्लैक कलर का दिया हुआ है। वहीं पर अगर हम टॉप मॉडल लेते हैं तो ये सिल्वर मेटेलिक फिनिश का मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है, वो भी मेटेलिक कलर में। ग्लॉसी फिनिश है बट मैट कलर में आपको ये मिल जाता है। देखिए, आगे के दोनों पावर विंडोज़ यहाँ पर आपको इसमें दिए हुए हैं। वहीं पर ट्विटर लगाने के लिए प्लेसमेंट दी हुई है, ट्विटर यहाँ पर आप लगवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं एडिशनली। उसी के बाद में अगर बात करूँ तो ये डोर ट्रिम्स जो मैंने आपको बताई थी, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश काफ़ी प्रीमियम लगता है बेस वेरिएंट के अंदर भी। एक लीटर की बॉटल होल्डर्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप बॉटल्स वगैरह, आपके न्यूज़पेपर वगैरह आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अम्ब्रेला होल्डर इसके अंदर आपको दिया हुआ है। वहीं पर आपको स्पीकर के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट दिया हुआ है, आप स्पीकर लगवा सकते हैं, यहाँ पर आपको जगह दी हुई है। उसी के साथ में इस तरफ अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टर मिलता है, जब आप गेट खोलते हैं तो पीछे की गाड़ी को जो लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है, इंडिकेट हो जाता है कि आपने गेट ओपन किया हुआ है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके इंटीरियर से। तो पहले मैं यहीं से बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वही जो मैट फिनिश मैंने आपको बताया था कि मैट कलर में, ये देखिए मैट कलर में आपको यहाँ पर ये ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है इंटीरियर में। उसी के नीचे यहाँ पर आपको यहाँ पर पर्स होल्डर मिल जाता है, ये आपको बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर लीवर मिलता है, और आपका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ पर ये लीवर इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें कोई हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती, यहाँ पर आपको जो है आपका रिक्लाइन एडजस्टमेंट मिल जाता है और आप यहाँ पर फ्रंट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आप अंदर बैठते हैं और देखते हैं इसके इंटीरियर्स। मैं सीट पीछे कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके इंटीरियर दिखाई देते हैं। आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग इसके अंदर आपको मिल जाता है, वहीं पर आपको ये स्टेयरिंग टिल्ट मिलता है। यहाँ पर आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है और जो टाटा का लोगो है सेंटर में वो आपको इसको क्रोम में दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के लिए। तो मैं इसमें ये मैंने की लगा के ऑन किया, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर नज़र आते हैं। ये सेम वही टियागो वाले इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हैं जो हमने टियागो में देखे थे XT वाले वीडियो में और XC वाले वीडियो में। इसमें भी आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, डोर ओपनिंग इंडिकेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हैंड ब्रेक रिमाइंडर, यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा, यहाँ पर आपको RPM बताएगा, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे जब भी गियर चेंज करेंगे। जैसे मैं अभी रिवर्स R लगा देता हूँ, ये देखिए मैं रिवर्स इसमें लगाता हूँ तो ये इस तरीके से दिखाता है। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, शिफ्ट करना है तो थर्ड गियर में है तो फोर्थ में लगाना है, सेकंड में लगाना है, इसका इंडिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। मतलब फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। वहीं पर यहाँ पर आपको टेम्परेचर और फ्यूल की लेवलिंग दिखा देगा। तो अब शुरू करते हैं इसके इंटीरियर की तरफ से, एक सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर ये देखिए दिखाई देता है। ये पूरा आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम लगाने के लिए ये जो पूरा रिंग है ये आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनली आप दूसरा म्यूज़िक सिस्टम, टच स्क्रीन चाहें या जो भी 2D चाहें वो इसके अंदर लग सकता है। देखिए बेसिक वेरिएंट मैक्सिमम वो लोग लेते हैं जो खुद गाड़ी को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहते हैं कि उन्हें टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम लग रहा है तो उसमें क्या क्या फीचर्स लग रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बेसिकली आप जब इससे अपर वाला वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल आते हैं। तो बेसिक वेरिएंट में यहाँ पर सिर्फ ये एक ट्रिम दी हुई है और AC वेंट्स जो हैं उनके आसपास में आपको क्रोम फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। ये देखिए क्रोम फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, 1, 2, 3 और 4 AC वेंट्स इसको दिए हुए हैं। उसके नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको AC के लिए ये नॉब्स दिए हुए हैं जो AC को कंट्रोल करते हैं, मतलब आपको हवा कहाँ से चाहिए,
फेस पे चाहिए, पैर पे चाहिए, और ये एसी की ब्लोइंग को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये आपको कूल के लिए, ये हॉट के लिए, ये एसी का ऑन और ऑफ़ के लिए, कंप्रेसर ऑन और ऑफ़ के लिए, ये बाहर की हवा अंदर के लिए यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है, ये देखिए इस जगह पर, और जगह दी हुई है। आप यहाँ पर चाहें तो आपका जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग सॉकेट है, पावर आउटलेट यहाँ पर आप उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो ये देखिए आपको 6 स्पीड मैनुअल इसमें मिलता है। रिवर्स आप इस तरीके से उठा के इसमें रिवर्स लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें 6 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एक यूनिक चीज़ की, तो इसके अंदर आपको बेसिक से ही मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो आपको सामने नज़र भी आएगा, ये देखिए सिटी मोड, इको एंड स्पोर्ट्स मोड आपको सामने नज़र आएगा। तो ईको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड के बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप सिटी के अंदर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो सिटी मोड पे ड्राइव करें। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हर बार वो सिटी मोड पे ही स्टार्ट होगी, इंजन स्टार्ट होगा, और आप सिटी मोड पे ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा गियर चेंजिंग आपको नहीं करना होगा, क्योंकि पावर काफ़ी अच्छा मिल जाता है सिटी मोड के अंदर। वहीं पर अगर आप हाईवे पर हैं, आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी उठ चुकी है, आपको चौथे, पाँचवें या छठे गियर पे ही गाड़ी को चलाना है, तो आप इको मोड का यूज़ करें, जिसकी वजह से आपका माइलेज इंक्रीज़ हो जाता है। और कहीं घाट क्षेत्र में है या कच्चे में है, जहाँ पर आपको डेफिनेटली पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें स्पोर्ट्स मोड को यूज़ करें कि ताकि आपको फोर्थ और फिफ्थ गियर पर भी काफ़ी अच्छा पावर मिल पाए, कि बार बार आपको गियर उसमें भी शिफ्ट ना करना पड़े, उसमें भी आपको जो है माइलेज इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद में इस नॉब की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अच्छा टच है इसका। ये देखिए आप, रबर टच है इसका, रबर का कुछ इस टाइप का कुछ आइटम से बना हुआ है। यहाँ पर आपको आसपास में क्रोम की इसमें गार्निशिंग मिल जाती है। अगर हैंड ब्रेक की बात करूँ तो इसमें भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, ये देखें। तो मतलब बेसिक वेरिएंट के अंदर भी टाटा मोटर्स ने कहीं पे भी छोटी छोटी चीज़ों की क्रॉस कटिंग या कंजूसी जिसे बोला जाता है, वो नहीं करा हुआ है। तो इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें कप होल्डर, ग्लास होल्डर, और यहाँ पर आपको कप होल्डर और ग्लास होल्डर एक्स्ट्रा मिल जाता है। टॉप मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो टॉप मॉडल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर भी मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। वहीं पर इसमें भी आपको 2 किलो का, ये देखिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो 2 kg तक की कैपेसिटी वाला एक हुक बाहर आ जाता है, जिसमें आपको इस सामान को टांग के ले जा सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स इसके अंदर आपको मिल जाता है, काफ़ी प्रैक्टिकल ग्लो बॉक्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, देखिए कप होल्डर्स की आपको जगह दी हुई है, आप यहाँ पर इसको ओपन करके कप्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर पर्स होल्डर, पेन होल्डर, कार्ड होल्डर मिल जाता है, और टाटा मोटर्स ने यहाँ पर एक टाइगर का भी आपको लोगो बना के दिया हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी में उन्होंने टाइगर के काफ़ी सारे लोगोज़ बना के दिए हुए हैं। पीछे की तरफ भी दिया हुआ है, वो भी हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, क्योंकि टाटा जो है वो सेव टाइगर के इनिशिएटिव में लगा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर आपको क्रिएटिव करके दी हुई है। ये देखिए साइड के डोर्स कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं, और इंटीरियर तो चलिए अब हम लोग पीछे बैठ के देखते हैं कि इसके सिटिंग कंफर्ट कैसा है, पीछे का रियर का सिटिंग कंफर्ट कैसा है। तो पीछे चलने से पहले हम आपको इसके DRLs दिखा देते हैं, बेसिकली DRLs हमने आपको शुरू में दिखाए नहीं थे, ठीक है। DRLs ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी ब्राइट लाइट्स मिलती है इसके अंदर, एकदम वाइट LEDs आपको मिलती है, ज़ेनॉन लाइट टाइप कुछ दिखाई देता है ये देखें। तो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी इंप्रेसिव, मतलब लगता नहीं है कि बेस वेरिएंट खड़ा है सामने से। अगर हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा लें, जैसे इसके अंदर अलॉय व्हील लगा लें, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है। तो अब हम पीछे बैठ के, मयूर सर हमें पीछे बैठ के बताएंगे कि इसमें स्पेस कैसे मिल रहा है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा जो सीट है वो मैं बैक कर चुका हूँ, तो अब स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें काफ़ी इनफ टू सफिशिएंट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो देखिए काफ़ी अच्छी हेडरूम इसके अंदर आपको मिल जाती है, 5'2" के आसपास सर की हाइट है। उसके बाद में भी काफ़ी इनफ टू सफिशिएंट स्पेस इसके अंदर आपको मिल रहा है, ये देखिए। अब सर आपको इसको बेड फोल्ड करके बताएंगे, सर आप बेड फोल्ड करके बताइए सर, ये किस तरीके से बेड फोल्ड हो जाती है, ये देखिए। ये सर ने ये वाली सीट भी उठा दी है, तो अब ये देखिए
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी आपको फ्री मिल जाता है, हार्ड पोर्शन मिल जाता है जिसमें आप कोई सामान वगैरह रख सकते हैं, आप अगर बच्चे वगैरह हैं तो उन्हें कुछ बिछा कर सुला सकते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ हो जाता है इसका। ये देखें, ये पूरा बेड फोल्ड हो गई, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लगेज मिल जाता है, लगेज रखने के लिए स्पेस मिल जाती है सॉरी, तो काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बेस वेरिएंट से ही इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में आइसोफिक्स के लिए ऑप्शन इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही आ जाता है। तो अब जब आपने देख लिया है कि बेड फोल्ड किस तरीके से होता है, तो अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं आपको रियर सीट्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। हाइट तो वही सेम काफ़ी अच्छी इसमें आपको लेग रूम मिल रहा है, सॉरी हाइट भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पर आपको देखिए ये एक काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर मोबाइल होल्डर टाइप मिल जाता है, यहाँ पर आप आपका पर्स वगैरह मोबाइल होल्डर वगैरह चीज़ें आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो गेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्विटर का प्लेसमेंट मिलता है, ट्विटर नहीं दिए हैं, जगह दी हुई है लगाने के लिए, सेम जैसा फ्रंट गेट था वैसा ही यहाँ पर वर्किंग है। बस एक चीज़ चेंज हो जाती है कि यहाँ पर आपको मैनुअल विंडोज़ यहाँ पर मिलते हैं, ये देखिए आपको मैनुअल विंडोज़ इसमें मिल जाते हैं, ठीक ठाक क्वालिटी के डोर हैंडल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो स्पीकर लगाने के लिए प्लेसमेंट दी हुई है। एक और चीज़, यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, अगर बच्चे हैं घर में तो ये लॉक को हमेशा लगा के रखें। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके इंजन कौन सा आता है और क्या है। तो बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 120 पीएस की, वहीं पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 एनएम का। यहाँ पर आपको एबीएस ईबीडी और सीएससी का आपको मोल्डिंग मिल जाती है, यहाँ पर एबीएस ईबीडी सीएससी की मोल्डिंग मिलती है। ये जो आपको कुछ ब्रेकिंग फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रेकिंग फीचर्स सारे आपको बेस वेरियंट से ही मिल जाते हैं, इसीलिए ये बेस वेरियंट में ही आपको 5-स्टार सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आपको बैटरी की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये देखिए टर्बो की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अंदर आपको 2 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। उसी के साथ में अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको इसकी जो सर्विसिंग है वो हर 15,000 किलोमीटर या फिर 12 महीने में करवानी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओवरऑल रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट पे बेस वेरिएंट के अंदर काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके अंदर कवर होते हैं, तो इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि इसके अंदर टायर साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है बेस वेरिएंट से ही, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, एक अच्छा इंजन ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज। तो हेड्स ऑफ टाटा मोटर्स के बेस वेरिएंट के अंदर इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे फीचर्स हमें अवेलेबल करवाए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।